राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में देर रात एक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी फैक्ट्री को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मामले की सूचना पाकर पुलिस क्यूजे दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। आग के चलते फैक्ट्री में रखा हजारों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।